भगवान की कथा में आनंद है। यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी के उत्सवों का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, इससे ज्यादा सुख कहाँ वैकुंठ में मिलेगा। ब्रजवासियों ने कहा कि हमको वैकुंठ नहीं जाना, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, हम जाके क्या करेंगे वैकुंठ में। भैया, जिसकी चाह नहीं है, जो केवल भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। यहां तो भगवान को चाहने की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन सपरिवार निमंत्रण आ जाए कहीं का, तो घर में भोजन ही नहीं बनता, घर के ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगना है, ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाते। बोले आज तो सारे परिवार को वहां जाना है, तो भगवान को हम अपने परिवार का मानते ही नहीं, ठाकुर जी को अपना मानना चाहिए। भगवान को अपना मानो, जिस दिन आप भगवान को अपना मानेंगे ना, ठाकुर जी आपको अपना मानने लगेंगे। ये बड़े बड़े लीलाधर हैं, ये और कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हमको आप सच्चा प्रेम दो। भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। ठाकुर जी को आप अपने ऐश्वर्य से नहीं ले जा सकते, कौन का ऐश्वर्य होगा उस त्रिलोकीनाथ के बराबर। कोमलाती कोमल कर कम भगवती माता कमला, अपने कोमलाती कोमल कर कमलों से जिनके पद पद कमलों का सम्मान करती हो, उनके जैसा ऐश्वर्य किसी का होगा। त्रिलोक में जिनके द्वारा श्री समृद्धि है, वो भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरणों का पाद सम्मान करते हैं। तो सोने चांदी के आप थाल में भोजन लगा के तो आप उनको नहीं ले जा सकते। 56 नहीं, 156 नहीं, 560 प्रकार के भी भोग लगा दो, भगवान उससे नहीं रीझेंगे। लेकिन हाँ, यदि आपके नेत्रों से दो आंसू प्रेम के गिर गए और दो बार आपने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु हमारे पास सामर्थ्य भले ही ना हो, लेकिन हम आपके हैं, हमारे पास नहीं है ये योग्यता कि हम आपको 56 प्रकार का भोग लगा, सूखी दाल रोटी है, लेकिन जो आपने दिए वो आपकी ही है, पहले आप पाओ, हम तो आपका प्रसाद पाएंगे। जिस दिन ये भाव आ गया, जिस दिन इतना सब प्रेम बन गया, भगवान आपके हो गए।